यार ये है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है, किसान अपने खेत में ना जाए, कल खेत का काम ना करे, उसका भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, क्योंकि उनका भी मामला है, ड्राइवर का भी, जिस तरह से सरकार पॉलिसी लेकर आ रही थी ड्राइवर की, तो ये सबके लिए ग्रामीण भारत बंद करने की बात करी है। उसमें देखते हैं कितना कामयाबी उसमें मिलती है। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन की, नया तरीका है इसका। तो इसमें हाईवे भी बंद किया जाएगा। नहीं, बंद नहीं करेंगे, हाईवे का नहीं है अभी, लेकिन वहां पर मीटिंग होगी, जो हमारे पॉइंट होते थे वहां पर मीटिंग रहेगी और उसका निर्णय कल ही लेंगे वहां पे ही। तारीख को मासिक पंचायत की है। 17 तारीख की सिसोली में मासिक पंचायत होती है, जो टिकैत साहब की जन्मस्थली है वहां पे, वो बहुत दिन से उनके टाइम से ही होती है। तो जब भी कोई इस तरह के इशू आते हैं, जिस तरह से पंजाब के किसानों का इशू आया, या कोई और इशू आते हैं, तो उसमें गहनता से चिंतन उस पर करते हैं। लोग आएंगे, कमेटी आएगी, उसकी एक मीटिंग होगी और उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आगे जो रणनीति बनी जाएगी, मतलब कृषि कानून को लेकर बनाई जाएगी या एमएसपी को लेकर। अभी एमएसपी पर वो तो हमारी डिमांड है, किसान संयुक्त मोर्चे की डिमांड है, लेकिन जो घटनाक्रम देश में, खास करके पंजाब और हरियाणा में जो चल रहा है, उसके संबंध में कोई रणनीति बने, ये उम्मीद है। तो उसमें कौन कौन भाग लेगा मासिक नहीं, में? उसमें मासिक में तो यहां से ज्यादातर लोग उसमें रहेंगे लोकल के, और करीब 15 से 20 लोग उसमें अदर स्टेट से आएंगे। ज्यादा भीड़ को हमने मना करा है। जो लीडर हैं हमारे, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से, तो इनकी एक कमेटी होगी और से फोन पर बातचीत होगी। छोटा सा, जो कल जो बंद रहेगा तो उसमें जो आसनिक सेवाएं हैं। नहीं, बंद हमारा यह कि हमने स्वैच्छिक वो कहा है कि सब इसमें साथ दे, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बंद ये रहेगा, और खास करके ग्रामीण भारत बंद की बात करी हमने। शहर खुला रहेगा। शहर वालों से भी हमने अपील करी कि आप भी बंद रखे, कल भी जो खुला रखे, तो उससे हमारा ज्यादा होता है। मंडी वगैरह सब्जी ग्रामीण भारत में जो जो भी चीजें आएंगी, मंडी तो सुबह ही हो जाती है, स्वेच्छा से बंद कर सकते हैं। अच्छा।